आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में आए थे इंडिया फिर उनको दबोच के खा जाएगा? तो उन्होंने बांदर बना देना इनको। मैंने ना अपने दोस्त के साथ शर्त भी लगाई हुई है जिसपे ना देखिए मैंने लिखा हुआ है कि फाइनल हम नहीं जीत सकते, जिसपे मेरे साइन भी हैं ये फर्स्ट लाइन पे। न्यूजीलैंड ने हारना है तो पाकिस्तान के चांस तो बन रहे हैं ना? चांस बनेगा, लेकिन पाकिस्तान ने भी तो आके न्यूजीलैंड से हार जाना, वो आपको नजर नहीं आ रहा? अगर पाकिस्तान जीत गया, जीतेगा तो चांस बनेगा ना, जीतने वाली कंडीशन नजर आ रही है। बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश से जीत गया, हमने एक कंडीशन पैदा कर दी, हम लोग बांग्लादेश से जीत गए, अब हम लोग जा सकते हैं सेमीफाइनल में। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड तो बच्चा है, वो हमसे हार जाएगा। ऐसा ही होता है ना, मजाक। क्या लगता है कि दोबारा इंडिया पाकिस्तान को बंदर बनाएगा? वो टीम छोटी थी, बांग्लादेश के खिलाफ जीते हैं, अब साउथ अफ्रीका, इंडिया, जैसे इंडिया जिस मूवमेंट में जा रहा है, जिस टेम्परामेंट से वो खेल रहे हैं, उस तरह तो हमें नहीं लगता कि हम उन्हें हरा पाएंगे। वालेकुम सलाम। आज साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को इतनी बुरी शिकस्त दे दी है, क्या पाकिस्तान के सेमीफाइनल में चांस बन गए आपकी नज़र में? हाँ, मुझे लगता है पागल हो गए हैं। पहले अगला मैच तो ये जीत लें, फिर ही इनका कोई चांस बनेगा ना। सेमीफाइनल के चांसेस यार हमारी दुआ है, चांसेस तो सारी दुनिया को पता है। पाकिस्तान तो भी सिर्फ तीन छोटी टीमों से ही जीता है। अगर पाकिस्तान, चलो एक उम्मीद लगा सकते हैं कि फिर भी चलो अगर जिस तरह से ये पहले खेल रहे थे उसी तरह से खेलें तो ज़रूर। पाकिस्तान उस तरह तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, पर अब शुक्र अल्लाह का चलो मामूल आपको निकाला है, फ़खर जमान आया, कल उसकी बैटिंग देखी है, मुझे उम्मीद हुई है कि यार हमारी भी टीम में कोई छिक्का मार सकता है, वरना बाबर आजम वगैरह से तो कोई छिक्का मारा नहीं जाता था। पर मैंने ना अपने दोस्त के साथ शर्त भी लगाई हुई है जिसपे ना देखिए मैंने लिखा हुआ है कि फाइनल हम नहीं जीत सकते, जिसपे मेरे साइन भी हैं ये फर्स्ट लाइन पे, और सेकंड में उसने लिखा है कि जो मर्जी हो जाए अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है तो फाइनल जीतेगा ही जीतेगा। मतलब आप अपने दोस्त के साथ शर्त लगा बैठे हैं कि पाकिस्तान फाइनल जीतेगा सेमीफाइनल में जाता है तो? अब देखते हैं जी, शर्त लगा तो लिया, मेरी दुआ है कि सेमीफाइनल में पहुंचे, पर आगे सेमीफाइनल में भी तो वो टीम्स हैं ना जो बड़ी बड़ी टीम्स है, साउथ अफ्रीका होगी, इंडिया होगी, उनको मुझे लगता है कि हराना नामुमकिन ही है। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में चली जाती है तो पाकिस्तान इंडिया का टक्कर आ जाता है, तो आपको लगता है कि इंडिया को हरा पाएगा इतनी अच्छी बैटिंग करने के बावजूद? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि इंडिया तो जोड़े नीचे जो साउथ अफ्रीका है उसे भी नहीं हरा सकते, इंडिया तो बड़ी दूर की बात है। अगर इंडिया उसने पहले बैटिंग करेगा ना, 400 स्कोर पड़ना है, जो मर्जी कर ले। न्यूजीलैंड ने हारना है तो पाकिस्तान के चांस तो बन रहे हैं ना? चांस बनेगा, लेकिन पाकिस्तान ने भी तो आगे न्यूजीलैंड से हार जाना, वो आपको नजर नहीं आ रहा? अगर पाकिस्तान जीत गया, जीतेगा तो चांस बनेगा ना, जीतने वाली कंडीशन नजर आ रही है। बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश से जीत गया, हमने एक कंडीशन पैदा कर दी, हम लोग बांग्लादेश से जीत गए, अब हम लोग जा सकते हैं सेमीफाइनल में। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड तो बच्चा है, वो हमसे हार जाएगा। ऐसा ही होता है ना, मजाक करें भैया, आप कुछ खुदा का खौफ करें। पहली बात तो ये, पाकिस्तान की टीम इस कंडीशन में है ही नहीं कि न्यूजीलैंड जैसी स्ट्रॉन्ग टीम से जीत सके। आज देखें न्यूजीलैंड का क्या हाल हुआ है, आपके सामने ही है। बेसिकली देखें ना, बात तो ठीक है, अगर न्यूजीलैंड हार रहा है बेसिकली हमें बेनिफिट होगा इसका, पाकिस्तान जो है उसका सेमीफाइनल तक रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज हैं। देखें अब पाकिस्तान अगर बाकी के मैचेस विनिंग करता है, काफ़ी अच्छे मार्जिन से करता है, तो फिर चांस बन सकता है पाकिस्तान का आगे जाने से। पर सर छोटी टीमों से जीतते रहे हैं, अभी देखते हैं, अगर अल्लाह करे सेमीफाइनल में चले जाते हैं, पर मुझे चांस नहीं लगता तो क्योंकि आगे बड़ी बड़ी टीम्स हैं, आगे मुकाबले टफ होंगे, तो मुझे लगता है काफ़ी टफ हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि कहा गया है कि न्यूजीलैंड अपने तीनों मैच हारता है तो पाकिस्तान के चांस बन जाते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान भी न्यूजीलैंड को हरा पाएगा? देखें जी, न्यूजीलैंड का इस टाइम मोरल काफ़ी डाउन है, और वैसे डाउन तो हम लोगों का भी है, पर उम्मीद की जा सकती है अल्लाह ताला से कि हमें मिल जाए फतह। अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में तो पाकिस्तान हमेशा न्यूजीलैंड को ICC टूर्नामेंट्स में हमेशा रह ही देता है, लेकिन पाकिस्तान इस दफ़ा अफ्रीका से भी आ रहा है, तो मुश्किल है नहीं सकते। तो आज के मैच में देखे ना, इतना प्यारा बैटिंग करके, इतनी प्यारी आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके, उन्होंने बॉलिंग भी करके न्यूजीलैंड को इतनी बुरी शिकस्त दी है, इस बारे में क्या कहेंगे कि अफ्रीका हमारा चांस बना रहा है? देखा जाए तो एक तरह से बन भी रहा है, क्योंकि एंड पे नेट रन रेट ही होगा, एंड पे कंपटीशन पॉइंट्स अगर बराबर, क्योंकि एंड पे पॉइंट्स ही बराबर होंगे आपके, तो नेट रन रेट पे ही जाएगा। पाकिस्तान अगर खेले न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जब खेलेगा तो पाकिस्तान एक बड़े मार्जिन से एटलीस्ट मैच जीते, तो तब जाके नेट रन रेट पे इनका चांस बनेगा। कोई एक मैच कोई बड़ा जीते, मतलब कोई 100 रन, कोई 120, 150 जैसे कल जीते हैं, हाँ इस तरह कुछ जल्दी आउट करके इस तरह, मतलब कि ये इनका तब एक सिनेरियो बन रहा है। वो टीम छोटी थी, बांग्लादेश के खिलाफ जीते हैं, अब साउथ अफ्रीका, इंडिया, जैसे इंडिया जिस मूवमेंट में जा रहा है, जिस टेम्परामेंट से वो खेल रहे हैं, उस तरह तो हमें नहीं लगता कि हम उन्हें हरा पाएंगे, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, पिचेस उन्होंने अपने मुताबिक बनाई हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि हम हरा पाएंगे उन लोगों को। और हमारे बैट्समैन, हमारे बॉलर्स फुल कोशिश करते हैं, पर हमारे जो बैट्समैन हैं ना वो बिल्कुल अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे। बॉलर्स मेहनत करते हैं, जैसे आपने पहले साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी देखा होगा, बॉलरों ने बिल्कुल मेहनत की, पर अगर 30 स्कोर प्लस हो गया होता हमारे बैट्समैन से तो
मैच का कुछ और सिचुएशन होता, सिनेरियो कुछ और होता। 50 वर्ल्ड कप में हिस्ट्री उठा के देख लेना, वैसे पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में बहुत दफा शिकस्त दी भी है, क्या पता पाकिस्तान ने इस दफा भी शिकस्त दे दे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी बहुत ज्यादा शिकस्त दी हुई थी, वो इस दफा वाकई हैंड हो गया। हाँ तो हैंड ये भी है, मुझे लगता है हैंड करवा ना जाए। अच्छा। पाकिस्तान यहाँ पर भी न्यूजीलैंड से हैंड करवा गया ना तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर निकल जाएगा, और बुरा हाल किसका होना अवाम का। न्यूजीलैंड अगर आज का मैच तो न्यूजीलैंड के सामने हार गया तो देखे ना, पाकिस्तान का फायदा तो न्यूजीलैंड करवा गया यहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान को खुद भी सोचना चाहिए, पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, पाकिस्तानी टीम को सोचना चाहिए कि उन्होंने ये मैच जीतना है, अपनी टीम के लिए जीतना है, अपने मुल्क के लिए जीतना है। किससे? न्यूजीलैंड से। जब वो जीतेंगे तो ही पाकिस्तान की पोजीशन बनेगी, वरना नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला जाता है, पाकिस्तान का टाकरो फिर इंडिया के साथ हो जाता है, तो आपको नहीं लगता इंडिया फिर दोबारा पाकिस्तान को बंदर बनाएगा? सर देखिए, अगर तो पाकिस्तान दोबारा ये अल्लाह की तरफ से हो गया, पाकिस्तान चला गया सेमीफाइनल में, तो अव्वल तो ये मुझे लगता है पाकिस्तान से तो इंडिया का आपस में टाकरा होना ही नहीं है, पाकिस्तान का इंडिया का होगा फाइनल में। अच्छा फाइनल में हो जाएगा, फाइनल में हो जाएगा, फिर देखिए क्या बनता है। अच्छा। फिर हो सकता है पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ गाड़ी ले, फिर याद अगर वहां तक पहुंच के फिर होता तो वर्ल्ड कप भी लेके आते। अच्छा, लेकिन इंडिया से जीतना आसान काम नहीं है, इंडिया ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में भी हरा देना ये भी बात पक्की है, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम की से तीन गुना ज्यादा अच्छी तरह खेलना है। अब टॉप टेबल में देखा जाए ना तो इंडिया टॉप टेबल में है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान वर्सेस सेमीफाइनल दोबारा है, तो आपको क्या लगता है कि दोबारा इंडिया पाकिस्तान को बंदर बनाएगा? नहीं, बंदर तो नहीं, बल्कि टफ टाइम दे सकता है इंडिया, लेकिन जैसे पहले टफ टाइम दिया था 190 पे, लेकिन ये है कि पाकिस्तान जो सर अंडर प्रेशर होता है, जैसे कि आपने पिछला मैच देखा था लास्ट, बाकी मैचेस पे क्यों नहीं होते, इंडिया के मैच पे क्यों होते? इंडिया एक, इंडिया आपको पता है एक टीम बहुत अच्छी है, शुरू से चलता आ रहा है कि जो उनकी स्ट्रीक चल रही है पाकिस्तान के साथ, विनिंग स्ट्रीक चलती जा रही है, चलती जा रही है, पाकिस्तान अपने ऊपर ये ले जाते हैं। वर्ल्ड कप का ना रिकॉर्ड है 8-0, वही स्ट्रीक उनकी चल रही है। बेसिकली उनके क्राउड से ना पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा वो क्या कह सकते हैं आप उसको, डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से वो प्रेशर ले जाते हैं या जो भी चीज़ है। लेकिन आपने 2019 में भी देखा था, चैंपियन ट्रॉफी हुई थी तब भी उन्होंने जीता था। लेकिन ये है कि पाकिस्तान अगर अपनी इन जोन सी भी क्या कहते हैं गलतियों को ठीक कर ले तो पाकिस्तान इंडिया का सबको हरा सकता है। ठीक है सर, 400 स्कोर पढ़ना अगर पाकिस्तान करेगा तो 150 होना पाकिस्तान से, ये होना है, इतना नहीं पाएगा। कितना पेगा? 350। 400 हो जाना। चलो 350 केड़ा साढ़े को हो जाना है। हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा, ये मैच हमारा है इंशाल्लाह से, मतलब वर्ल्ड कप भी साढ़ा। हाँ साढ़ा। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में आए थे इंडिया फिर उनको दबोच के खा जाएगा? तो उन्होंने बांदर बना देना इनको पहले नहीं बनाए तो हर टीम को बांदर बना रही है, मतलब आप दोबारा फिर पाकिस्तान को आप कहते हैं कि पाकिस्तान आके जाए ना। यार भाई मैं सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दूं, जब अभी उन्होंने टीम की कंपोजिशन रखी ना वो चलेगा तो फिर शायद थोड़ा बहुत सीन है, वरना सीन टाइट है। ये आप भी मेरे ख्याल से फैन लगते हो क्रिकेट, मैं भी फैन हूँ, अगर ये जो क्रिकेट की जो अब टीम लेके गए ना वो लेते जाएंगे ना फाइनल, अगर ये सेमीफाइनल भी खेलते हैं तो मुझे लगता है कि गुड हो जाएगा, लेकिन आपको पता है दोस्ती यारी तो अच्छा नहीं है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए ना दोबारा फिर बंदर बनने के बजाय घर ही आ जाए। नहीं नहीं जाए, लेकिन ये बेसिकली है पाकिस्तान, इन्होंने यही कहना तुम जीतो यार हो मैं तुमसे प्यार है ये बात है, इसलिए पाकिस्तानी भी प्लेयर्स भी है ना जो उनसे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा फिलहाल। लेकिन लास्ट मैच उनका अच्छा फॉर्म में रहा, फ़खर जमान को अंदर लाए हैं, बहुत अच्छा फैसला है, वो ठीक है फॉर्म में बैट्समैन, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी पाकिस्तान जाएगा। 50 रन अगर और होते हैं ना, ये भी मैंने उस दिन बात की थी अपने भाई को भी कि 50 रन शॉर्ट है, अगर ज़्यादा होते तो फिर पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था, क्योंकि एंड सिचुएशन इस तरह की बन गई थी वो एंड पे एक DRS पे, मतलब कि एम्पायर कॉल, ये तो वैसे रूल होना नहीं चाहिए, क्रिकेट के अंदर लॉ होना यही चाहिए कि रिव्यू एम्पायर हुई ना, फिर रखा हुआ तो फिर एम्पायर क्यों रखा हुआ, फ़ायदा ही नहीं कोई, ये तो फिर इस तरह से एक वन साइड होगी ना चीज़, मतलब कि आप कलीडिंग को हरवाना हो तो एम्पायर से अगर डिसीजन दे दो, हाँ मैं क्या पता हूँ पीछे से कोई इनको कह रहा हो, क्या पता हूँ मैं पीछे से रिव्यू सिस्टम में शायद बॉल इधर कैसा इधर ट्रैक हो जाए, हाँ मैं क्या पता हूँ, हम थोड़ी देख रहे हैं, होना इसको रिव्यू सिस्टम होना चाहिए, और सारे एम्पायरों को एक ही आगे बैठ के सारी कंट्रीज़ के एम्पायर को मेरे हिसाब से एक जगह बैठ के जब DRS लेना चाहिए तो सारे कंट्रीज, ताकि इसमें कोई पैट्रियटिज्म ना हो, मतलब कि एक कंट्री का एम्पायर बैठा हुआ है तो अपनी कंट्री को फेवर दे, तो सारे कंट्रीज़ के जब बैठे होंगे ना तो फिर एक अच्छा डिसीजन ये फिर हो सकता है, इसका फ़ायदा ही था।